भगवान परशुराम जयंती महोत्सव पर मेन चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समस्त समाज के लोगों के सहयोग से परशुराम जयंती के अवसर पर आज परशुराम चौक पिहोवा पर सारस्वत ब्राह्मण समाज के प्रधान श्यामलाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने विशेष सेवा पूजा व पाठ सहित सामूहिक महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूजा अर्चना व आरती के बाद पारंपरिक प्रसाद वितरण किया गया। इससे पूर्व समस्त समाज के लोगों ने सरस्वती तीर्थ पर हवन यज्ञ किया, जिसमें पंडित शंभुदत्त गौतम ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ में आहुति डलवाई। परशुराम जयंती के इस विशेष कार्यक्रम में शहर सहित आसपास गांवों से गांववासियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। सारस्वत ब्राह्मण सभा के प्रधान श्यामलाल शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मणों और ऋषियों पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करने के लिए हुआ था। इस दिन दान पुण्य करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस जयंती के दिन पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जिन लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही उन लोगों को इस दिन पूजा पाठ और उपवास करना चाहिए। इस मौके पर आशीष चक्रबाणी, दिनेश तिवारी, रोशन शर्मा, राजेश कांशीराम, शंभुदत्त गौतम, पार्षद लक्की शर्मा, जयपाल शर्मा, जगीर मोर, रिक्की शर्मा, प्रेम शर्मा, हैप्पी शर्मा, बारूदत्त शर्मा, करमपाल शर्मा, कृष्ण गोपाल, शरद शर्मा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। दिवस पर श्री भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव देवा चौक पर भगवान परशुराम चौक पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम जी अन्याय पर न्याय की विजय का और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान परशुराम जी ने आतताइयों का संहार कर इस सृष्टि में, अखिल सृष्टि में धर्म की संस्थापना की। आज उनका प्रकट उत्सव दिवस है, तो सारा समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज और सभी समाज का सहयोग लेकर, सारस्वत ब्राह्मण सभा सभी भाइयों का सहयोग लेकर के आज यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव मनाया गया है। मैं अपनी ओर से, सभी ब्राह्मण समाज की ओर से, सर्व समाज की ओर से, सारे प्रदेश और देशवासियों को भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूं कि सारे विश्व में शांति की प्रतिस्थापना हो और अन्याय पर न्याय की विजय का ये प्रतीक हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान परशुराम जी की जय। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।